आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। जल ही जीवन है, जल के बिना किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भीषण गर्मी के मौसम में जल की कमी से जहां इंसान त्राही त्राही करने लगता है, वहीं निरीह एवं निर्दोष पक्षियों की स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने घर की छतों पर पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था करे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना द्वारा पक्षियों के पानी पीने हेतु निःशुल्क सकोरे वितरण अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को पलसीकर कॉलोनी स्थित श्री दत्त माउली सदगुरु अण्णा महाराज संस्थान पर संत श्री अण्णा महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान सदगुरु अण्णा महाराज ने इस पुनित कार्य के लिए श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना को बधाई देते हुए कहा कि आज ऐसे समय में जबकि लोगों की वैचारिकताएं बदल गई हैं, क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना द्वारा निर्दोष एवं निरीह पक्षियों की चिंता करना निश्चित ही सराहनीय है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम भीषण गर्मी के मौसम में पक्षियों की चिंता करते हुए उनके दाना पानी की व्यवस्था करें। श्री कुंजीर ने कहा कि वे आगामी एक पखवाड़े तक इस अभियान को चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री क्षत्रिय मराठा नव निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया, वरिष्ठ समाजसेवी मिलिंद दीघे, एडवोकेट सुश्री विनीता पाठक, स्वाति मोहिते, पंकज डोंगरे एवं करण कुंजीर उपस्थित थे। देखो, आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है 2020-2021, मतलब 20 पे 21 भारी पड़ रहा है और वैचारिकताएं सबकी बदल गई है। आज सिर्फ अपने तक व्यक्ति सोच रहा है और इस स्थिति में क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना इस विचारधारा से बाहर आकर आज पशु पक्षियों के लिए विचार कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक अच्छी विचारधारा है। आदमी सिर्फ अपने तक विचार करते हुए आज जी रहा है, पर क्षत्रिय नवनिर्माण सेना के चंदू कुंजीर जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उनकी टीम जो काम कर रही है, एक नई विचारधारा लेकर हमेशा काम करती है और इसी विचारधारा को लेकर पक्षी पक्षियों के लिए आज वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप जनमानस से क्या विनती करेंगे, क्या अनुरोध करेंगे आपकी ओर से? मैं जनमानस से यही विनती करूँगा कि मानवता को सर्वोपरि रख के मानव की सेवा करे, पशु की सेवा करे, पक्षियों की सेवा करे, प्रकृति की सेवा करे। प्रकृति सहज रहेगी तो जनमानस सहज रहेगा, नहीं तो विनाश अपने को दिख रहा है किस प्रकार से मुंह फाड़ के सामने आ रहा है। क्षत्रिय मराठा नौजवान सेना द्वारा हमने पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए आज अन्ना महाराज सदगुरु अन्ना महाराज संस्थान द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया है। हम लोग सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को निवेदन करते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, इस मौसम के अंदर पशु पक्षी पानी और दाने के लिए इधर उधर भटक रहे और कई पक्षी मर रहे। सभी महानुभाव से मेरा निवेदन है, अपने छत के ऊपर, अपने घर के आंगन में या अपने घर के आगे वो बगीचा है, उस बगीचे के अंदर एक एक सकोरा रखे, पक्षियों की पानी की व्यवस्था करे, दाने की व्यवस्था करे। ये मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है।